अकाइनोडर्म एम्बेलॉजी द जनरल कंसेप्ट कॉन्टेंट्स एक्सटेंसिवली स्टडी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैन टाइप ऑफ एक्ट प्रेजेंट इन द अकाइनोडर्म्स एंड डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द अकाइनोडर्म्स सबसे पहले बात करते हैं कि अकाइनोडर्म्स अकाइनोडर्म इज द फाइलम ऑफ इनवर्टिड्स इनवर्टिव सबसे लास्ट पर हम फाइलम स्टडी करते हैं दट इज दाइनोडर्म्स का अगर हम देखें तो इसके ओवरऑल जो फ़ीचर्स हैं वो बहुत सिंपल हैं लेकिन उसके बावजूद इन्वर्टिब्रेड्स में सबसे टॉप पर इसको रखा जाता है क्योंकि इसके बहुत से फीचर्स वो हैं जो दे विच आर रिजेम्बलिंग टू द रिजेम्बलिंग टू द दर्टिब्रेड्स यानी कॉर्डेट्स जो है रिजेम्बल करते हैं इसलिए हम इसको जो है वो इनवर्टिब्रेड्स में सबसे टॉप पर रखते हैं हालांकि बहुत सारे इन्वर्टिब्रेड इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं लेकिन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाइनोडर्म्स को कॉर्डेट के ज़्यादा करीब मानते हैं अकाइनोडर्म्स के अंदर दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स सारे के सारे मरीन एनिमल्स हैं जिसके एग्जाम्पल हमारे पास स्टार फिश ब्रिटल स्टार दैन सी सी कम्बर और इसके बाद सी अर्चन जो है हमारे पास दीजा प्रोमिनट एनिमल्स जो हैं इसके मौजूद हैं अकानोडर्म्स को एक्सटेंसिवली स्टडी करने के पीछे जो इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये इट इज़ ईजिली कल्चरेबल अकाइनोडर्म्स को लेबॉर्ट्री में आसानी से कल्चर किया जा सकता है इनकी डिवेलपमेंटल स्टेजस बड़ी क्लियर हैं सो so, जब डेवलपमेंट स्टडी करेंगे तो स्टडिंग रिसर्च या एक्सपेरिमेंटेशन विच विद अकाइनोड्राम इज मोर फिजिबल वाई बिकॉज इट इज मोर इजी टू हैंडल दैम उनको हैंडल करना आसान है और इसके बाद दे हैव वेरी डिस्टिंक डिवेल्पमेंटल स्टेजेस उनके डिफरेंट डिस्टिट डिवेल्पमेंटल स्टेजेस हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं अकानोड्रम्स की अगर हम बात करें डिवेलपमेंट से पहले जो अकानोड्रोम्स हैं बिकॉज दे आर एक्टिक एनिमल्स मैरीन एकटिक एनिमल्स हैं दे ले दे आर एग इन दाटर वाटर में एग्स ले करते हैं ये देयर एग इज माइक्रोलेथल एग के अंदर योग के अमाउंट बहुत कम होती है इस वजह से हम इसको माइक्रोलेथल कहते हैं वेरी लिटल अमाउंट ऑफ योग कैरी करेगा अब एग जो है दे आर लेड इन टू द वाटर उसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन होगी दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डिवेल अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो उसका मतलब है कि डिवेलपमेंट भी सारी की सारी जो है वो वाटर के अंदर होती है अलबत्ता चंद एक ऐसे काइनोडर्म्स हैं जो एग्स को या फर्टिलाइज एग को अपनी बॉडी के साथ अटैच रखते हैं ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि एग जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं वाटर के अंदर जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन नहीं होती है विद फ्यू एक्सेप्शन कुछ हैं जो अपने कह सकते हैं बॉडी के साथ अटैच करके उनको प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो डिवेलपमेंटल स्टेजेस एग रिलीज हो जाएगा इंट्रू वाटर स्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन करेगा एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन तो से एग इज़ कन्वर्टेड इंटू जाइगोट जाइगोट फार्मेशन होगी जाइगोट का दूसरा नाम फर्टिलाइज एग भी है अब उसके बाद डिवेलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट होगा सबसे पहले जाइगोट जो है वेन इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग तो पहली स्टेज जो है उसको हम सिंपली कहते हैं इट इज द क्लीविच देन बाल ऑफ सेल्स बन जाएगा जिसको हम मोरूला कहेंगे फिर उसके बाद इसके अंदर कैविटी बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एज द ब्लास्टूला स्टेज उसको कहेंगे और ब्लास्टोसील उस कैविटी को नाम देंगे बाद में उसके जो एम्ब्रियो है उसके अंदर लेयर्स बनने शुरू हो जाएंगी उन लेयर्स को हम जो है वो जब लेयर्स बन जाएंगी तो एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती हैं गैस्ट्रुलेशन स्टेज के ऊपर तो हम इसको गैस्ट्रुला कहेंगे और उसके बाद गैस्ट्रुलेशन से आगे जो है ये फर्दर एक लार्वल फार्म में आ जाएगा और बाकायदा फ्री लाइफ गुजारना शुरू कर देगा अगर हम देखें तो ज़्यादातर कार्योड्रम जो होते हैं वो या तो वेरी स्लो मूवर होते हैं या सेसाइल होते हैं लेकिन उन देयर लार्वी जो है अगर लार्वी की बात करें दे आर वेरी एक्टिव वो एक्टिव होते हैं फ्री स्विमिंग होते हैं और दे कैन मूव ईजीली वो वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं और मूव करते हैं और उनका बाकायदा एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड भी मौजूद होता है अकाइनोडरम की डेवलपमेंट जो है आगे जैसे हम सी अर्चन की बात करते हैं तो सी अर्चन की डेवलपमेंट अप्रॉक्सीमेटली विद इन थर्टी आवर्स हो जाती है ये एक और इम्पॉर्टेंट वजह है कि अकाइनोडरम के साथ काम करना डिवेलपमेंटल के रेफरेंस से ईजी क्यों है क्योंकि जब आप सी अर्चन के साथ वर्क करेंगे तो इट विल बी कम्प्लीटली विद इन थर्टी आवर्स थर्टी आवर्स के अंदर आप तमाम डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टडी कर सकते हैं